लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एसपी सांसद के बाद तालिबान पर एक और मौलाना का विवादित बयान सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को बोर्ड सलाम मोहब्बत भेजता है। बरसों की कुर्बानियों के बाद तालिबान को यह मौका मिला है। दुनिया में ना जाने कितनी इस्लामिक हस्तियों ने इस पल के लिए, इस लम्हे के लिए दुआएं मांगी थी। ये बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सभी को हैरान करने वाला बयान है, सुनिए। ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद और पूरी मिल्लत इस्लामिया की न जाने किन किन हस्तियों ने कहां कहां दुआएं मांगी। तो अफगानिस्तान में जो हुआ है उसके लिए न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने दुआएं मांगी थी। लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद यह नौबत आई है कि तालिबान की सत्ता स्थापित होने जा रही है, शरिया कानून लागू होने जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर इसका स्वागत कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी जिनके बयान से हलचल मची है, ये दरअसल हैं कौन, इनके बारे में जरा आपको बताते हैं। और इनके बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करते हैं हिंदुस्तान के अंदर रहकर। कौन है मौलाना सज्जाद नोमानी? सज्जाद नोमानी मशहूर इंडियन इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं। जो कहते हैं वो इनकी निजी राय नहीं माना जा सकता, ये बोर्ड के ताल्लुक से कह रहे थे, बोर्ड के प्रवक्ता की हैसियत से कह रहे थे। कई इस्लामिक किताबें भी लिख चुके हैं सज्जाद नोमानी और इस बयान के जरिए बोर्ड की जो सोच जाहिर की है आज नोमानी ने, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय नजर आते हैं सज्जाद नोमानी। AIMPLB के ये मेंबर हैं, प्रवक्ता हैं। सज्जाद नोमानी मशहूर इंडियन इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये कहा जाता है, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने तालिबान के शासन का समर्थन किया है और सामने आकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय रखी है तालिबान के सपोर्ट में, उसने हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को कर दिया है हैरान। और तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में भी सियासत गर्माती जा रही है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कल विवादित बयान देते हुए तालिबान के कत्लेआम की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर दी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा था कि तालिबान ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश में अमेरिका रूस जैसे देशों के पांव जमने नहीं दिए। सुनिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। तो मौलाना सज्जाद नोमानी का आपने बयान सुना जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बोल रहे हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, ये समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं, इन्होंने बयान दिया एक तरह से तालिबान के समर्थन में। हालांकि जब देशद्रोह का केस दर्ज हुआ, बयान को लेकर विवाद हुआ, तो इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि मैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर जो भारत सरकार का रुख है उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये दोनों बयान यहां पर हम आपके लिए चला रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बयानों के जरिए इस सोच का। और यही सबसे बड़ा और अहम सवाल जहन में आता है,
हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती वजाद कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, इस तरह के बयान आना जो कि हर हिंदुस्तानी को दुख पहुंचा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि हम सब अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान किस तरह से जुल्म सितम ढा रहा है और इस वक्त किस तरह का अराजकता का माहौल है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई कितना डरा हुआ है, उसके बावजूद भी तालिबानी सोच का, तालिबानी हुकूमत का सपोर्ट करने वाले लोग यही हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ठीक कहा आपने, मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि तालिबान कोई पहली बार हुकूमत में नहीं आए हैं, तालिबान पहले भी अफगानिस्तान में हुकूमत कर चुके हैं जी, और हिंदुस्तानी मुसलमानों का मौकिफ तारीख इतिहास जानता है, तारीख जानती है, पूरे दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान और उसकी विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जी। मौलाना सज्जाद नोमानी का निजी बयान है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया है, मैं इस पर तो नहीं जाऊँगा और ना इस पर टिप्पणी करूँगा। अलबत्ता मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान मजमूई एतबार से, मजमूई एतबार से मतलब ये कि 95, 99, 98% विचारधारा मुसलमानों की ये है, जो पिछले सरकार में होम मिनिस्टर रहते राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के पटल पर पेश की थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कट्टरवादी सोच, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, वो जैश ए मोहम्मद हो, वो अलकायदा हो, वो तालिबान हो, और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान या इस तरह के लोग इस्लाम को बदनाम करने की कट्टरता की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान उस विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ नोट कराऊंगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बहुत खानदान ऐसे हैं कि लाखों खानदानों की रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान की सरकारों ने कट्टर मौकिफ अपनाया है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वहाँ के रिश्तेदारों को भी नज़रअंदाज किया, वहाँ के आने जाने को भी नज़रअंदाज किया और अपने मुल्क की मोहब्बत में उनको, रिश्तेदारों को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा। लेकिन दिक्कत और परेशानी पैदा करने वाली बात यह है ना कि ये वो लोग हैं, वो चेहरे हैं जो कि देश में कौम की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, दिक्कत यहाँ हो जाती है। मैं इस पर आऊंगा, आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर योगी सरकार के मंत्री का जो पलटवार है वो दिखाते हैं। मोहसिन रजा ने क्या कहा है ये सुनिए अब। ये आतंकी विचारधारा के साथ खड़े लोग हैं, तालिबान पर ये लोग बेनकाब हो रहे हैं, ये कहा है मोहसिन रजा ने, सुनिए। जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो दिल की बात जबा पर आ गई ना, ये तो हमेशा से आतंकियों की महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, हमेशा से भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो इनसे आप क्या सुनना चाहते हैं? ये यही विचारधारा आपको बताएंगे, और अच्छी बात है कम से कम प्रदेश और देश की जनता ने आप सबके माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से देख तो लिया कि समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है। हम अखंड भारत की विचारधारा रखते हैं, ये आतंकी विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं तो हम इन्हें आतंक तो नहीं। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शादाब चौहान, ये पीस पार्टी, जो यूपी की पीस पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन है। शादाब चौहान, मुझे ये बताइए कि आखिर ये कैसी मानसिकता है जो तालिबान के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, वो भी अफगानिस्तान की सड़कों पर मची कत्लोगारत देखने के बाद। देखिए समीर भाई, जानकारी होना चाहिए तालिबान अमेरिका की पीस डील में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व पी कुमारन साहब कर रहे थे। हमारे 27,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हमारे नागरिक अभी वहां मौजूद हैं, हमारा दूतावास है, तो हम कोई बात ऐसी क्यों करें? जो सरकार बनी है उनसे बात होनी चाहिए, हम किसी को दुश्मन बना करके हमारा लाभ नहीं होगा। हम देश हित में बात कर रहे हैं कि हमें सारी चीजों को परिपेक्ष को देखते हुए भारत के हित। जी शादा, बात बदलिए नहीं ना, आपकी पार्टी का जो रुख है वो खुलकर बोलिए, अब तो सब कुछ खुलकर बोला ही जा रहा है ना, किसकी क्या सोच है वो तो जाहिर हो ही रही है ना। आपने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। आपने कहा कि तालिबान को शुभकामनाएं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया, उम्मीद है कि वो अहकामे इलाही निजामे मुस्तफा का राज कायम करेंगे जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। ये है आपकी सोच, ये आपकी पार्टी की सोच। अगर हम ये कह रहे हैं कि सबको न्याय अगर मिलता है ये अच्छा होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात नहीं? आपको निजामे मुस्तफा आता हुआ नजर आ रहा है ना,
इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक काम करने वाले जो तालिबानी हैं, उनके साथ, उनकी सोच के साथ खड़े हो जाते हैं आप लोग, और आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कितना बुरा कर रहे हैं इंसानियत का। हम मानवता के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं, शांति के साथ खड़े हैं, हम किसी भी अत्याचारियों के साथ नहीं खड़े हैं। और आप अगर शांति के साथ खड़े होते तो आप भोले भाले अफगानिस्तानी मुसलमानों की, अफगानिस्तान के लोगों की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आप उनकी बात करते, आप इंसानियत की बात करते। आप तो उन तालिबानियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो उन पर जुल्म ढा रहे हैं। या कभी आपने हमें सावरकर का महिमामंडन करते देखा? कभी हमें कसाब या गोडसे का महिमामंडन करते देखा? हम आतंकवादियों का साथ नहीं देते, हम लोग कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। हम आतंकवाद के विरोधी थे और रहेंगे, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रहेगी, हम न्याय और शांति को सरोपरि रखते हैं। अच्छा, तो ये तालिबानी जो है ये इस्लामिक राज स्थापित कर रहे हैं आपके हिसाब से, और ये सही इस्लाम है, और ये कहकर आप इस्लाम को बदनाम भी नहीं कर रहे हैं? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा है। अरे आपने कहा है, आपने कहा है, मैंने पढ़ के सुना दिया, अब दोबारा तो सुनाऊंगा नहीं। मुफ्ती कासमी, अब इस सोच का क्या जवाब है? मतलब खुलकर तालिबान का सपोर्ट किया जा रहा है और फिर भी कहते हैं कि हम आतंकवाद के साथ नहीं, हम तो जी शांति चाहते हैं, और शांति चाहते हैं इसलिए तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं तालिबान राज स्थापित हो रहा है अफगानिस्तान में। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर इस्लामी करने काम करने वाली तंजीम जो है वो तालिबान, अलकायदा, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द और गंदी तंजीमें हैं, बिल्कुल, जिन्होंने इस्लाम की छवि को एक डरावनी शक्ल दी है पूरी दुनिया के अंदर। और इस्लाम जो अमन व शांति का एक मज़हब था, प्यार मोहब्बत का एक मज़हब है, उसको इन्होंने ऐसी शक्ल दी है और ऐसी उसको गंदी ज़हनियत लोगों के दिलो दिमाग में डाली है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान टेररिस्ट होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है। मैं शादाब चौहान जैसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आप RSS पर सारा इल्ज़ाम रख दोगे, बजरंग दल पर रख दोगे, विश्व हिंद परिषद पर रख दोगे, सीरिया में किस पर रखोगे, इराक में किस पर रखोगे, यमन में किस पर रखोगे, अफगानिस्तान में किस पर रखोगे, और पूरी दुनिया में 500 ममालिक इस्लामी इस तरह के आतंकवाद से जो जूझ रहे हैं, वहाँ कौन सी RSS काम कर रही है? वहाँ कहाँ मोदी जी चले गए हैं? वहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी चली गई है? ये बात दरअसल समीर भाई विचारधारा की है, और पूरी दुनिया में विचार की लड़ाई चल रही है, और तालिबान जैसी विचारधारा के लोग यहाँ भी है। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक में खुलेआम देख रहा हूँ जो तालिबान को हिमायत कर रहे हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है जैसा कि इन्हीं की हुकूमत वहां आ गई हो। ये कौन सी सोच है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान जैसे अजीमो शान मुल्क में बैठ कर, ये सोच क्या है? मतलब इसके पीछे क्या वजह क्या है? यही तो टेररिस्ट विचारधारा है मेरे भाई, इसी को तो आप आतंकवाद की विचारधारा कह सकते हो, यही से तो आप दुनिया भर की बुराइयां निकाल सकते हो, यही से तो गंद निकलता है वो देश के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, यही से, इसी विचारधारा से तो वो गंद निकलेगा, यही से तो हमारा यूथ और नौजवान खराब हुआ, इसी विचारधारा से तो कश्मीर के हालात खराब हुए, इसी विचारधारा से तो सैकड़ों हजारों लोग सिमी के नाम पर अंदर गए पॉपुलर फ्रंट में, देखो यही तो विचारधारा है। और यही विचारधारा तो शादाब चौहान जैसे लोग टीवी पर बैठकर, शफीकुर रहमान देखिएगा, वो MP हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ शोहरत पाने के लिए किस कदर घटिया सोच उनकी है कि वो, उनको ये भी ख्याल नहीं रहता कि आंदोलन से मिला दिया उन्होंने, सभा के सदस्य हैं, देश की इज्जत का भी ख्याल नहीं। तालिबानी आतंकियों के आतंक को, दहशतगर्दी को, कत्लो गारत को हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन से वो मिला रहे हैं, फिर तो शादाब चौहान आप उसका भी सपोर्ट कर रहे होंगे। देखिए समीर भाई, हमने पहले दिन से कहा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम भारत के हित को सरोपरि रखते हैं, इसलिए जो हमारे 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, हमारे पी कुमारन साहब जो पीस डील में शामिल थे, और हमारे नेशनल तो जो फंसे हुए हैं, उस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बात कही कि डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए और बातचीत करके हमें अच्छी चीजों की तरफ मूव होना चाहिए, देयर शुड बी डायलॉग। ये लिखा नहीं ना आपने, देयर शुड बी डायलॉग, आप ये लिख रहे हैं कि एहकाम इलाही, निजामे मुस्तफा का राज कायम होने जा रहा है, उसका स्वागत कर रहे हैं आप उसको वेलकम कर रहे हैं आप। मैंने के नाम पर सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक काम करतूत करने वालों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या सोच है शादाब? समीर भाई आपने हमारे ट्वीट को अगर सही से नहीं पढ़ा पूरी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या कहा ट्वीट में।
ट्वीट में क्या काम है भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद है कि वो लोग मुस्तफा क्या काम करेंगे जिसमें किसी से तो एकामे इलाही निजामे मुस्तफा वापस स्थापित हो जाएगा। समीर भाई अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड मुझे पूरा करने दीजिए फिर आप पूछेंगे। मैंने उसमें कहा कि हमें उम्मीद है कि अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे जिसमें किसी से भेदभाव नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा और हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। हम वो निजाम मुस्तफा चाहते हैं जिसमें धार्मिक आजादी हो, कोई किसी पर अत्याचार ना कर सके, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको उम्मीद किससे? तालिबान से, सभी मजहब के तालिबानी आतंकियों से, उनकी कट्टर सोच से, उनके कड़े शरिया बरबर कानून से, ये उम्मीद है? उन्होंने भारत के नागरिकों के साथ जो पॉजिटिव गेस्चर दिखाया उससे मुझे विश्वास है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया है, जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। देखिए, जो पहला बयान था उससे भी और ज्यादा विवादित बयान नोमानी का सामने आया है। अब ये भी सुनिए। एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब और वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो कासमी साहब, जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, ये नोमानी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सोच पर आप हैरानगी जताएंगे, दुख जताएंगे, लाचारी जताएंगे या सिर्फ और सिर्फ अफसोस करके रह जाएंगे? ये समीर भाई, हमारी सरकार जो है वो बहुत ताकतवर सरकार है, वहाँ से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है और इधर से एयर इंडिया की जो एयरफोर्स की फ़्लाइट्स हैं या एयर इंडिया की, वो खाली जा रही हैं। तो नोमानी साहब को शहादत का अगर शौक़ है तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो ये शहादत यहाँ से जितने खाली हवाई जहाज़ मैं बंदोबस्त करा देता हूँ विदेश मंत्री से बात करके आज, कि नोमानी साहब और उन जैसे लोग जाना चाहते हैं तो आप इनको भिजवा दीजिए ताकि शहादत इनके हाथ लग जाए। वैसे भी उम्र रसीदा हो चुके हैं। मुझे पता नहीं नोमानी साहब क्यों ज़बरदस्ती इस तरह के विवादों में रहना चाहते हैं, क्यों इस तरह का तनाज़ो वो रख करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को रुसवा करना चाहते हैं। जो नोमानी साहब कह रहे हैं उस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, देश की एजेंसियों को पूछताछ करनी चाहिए। और मैं आपके टीवी के माध्यम से पूरे मुल्क को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ना ये रुख कल था, ना आज है और ना कयामत की सुबह तक हो सकता। हम तालिबान की विचारधारा के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं और कल भी खिलाफ रहेंगे। अगर तालिबान अपने आप को सही करते हैं तो ये सरकार का काम है कि अगर वो हमारी सरकार के मामलों पर ठीक उतरेंगे तो सरकार उनसे डायलॉग कर सकती है। अलबत्ता हिंदुस्तान का मुसलमान उनके पक्षधर ना था, ना है और ना हो सकता है। शादाब चौहान, कुछ कहेंगे आप? इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो इस तरह के बयानों से हो रहा है, इस तरह की कट्टरवादी सोच जाहिर करके हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि तालिबान को एज अ टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करने वाला अमेरिका आज सर्टिफाइड कर चुका है, उन्हीं से पीस डील कर चुका है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पी कुमारन साहब कर रहे थे, जो वहां सोवियत संघ और अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान को बर्बाद किया। अरे भाई, तालिबान को आप आतंकी नहीं मानते थे क्या अब तक? तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम सुना है आपने? तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का नाम सुना है? अलकायदा का नाम सुना है? 2001 में क्या हुआ आपने देखा, या फिर आपने आंखें मूंद ली थी? आप अचानक अभी से आए हैं और आपको एहसास हो गया कि ये निजामे मुस्तफा बनाने वाले लोग आ गए हैं, तो इनका वेलकम कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि तालिबान ने कल अपनी प्रेस वार्ता में क्या कि हम अपनी धरती को आतंकवाद के खिलाफ। तालिबान ने प्रेस वार्ता में क्या कहा वो आपको यकीन हो गया? नहीं नहीं, अरे आपको अमेरिका की बात पर आपको विश्वास हो जाता है, आपको इजराइल की बात पर विश्वास हो जाता है, लेकिन एक नई सरकार हमारे पड़ोस में बनने जा रही है उसकी बात पर विश्वास इसलिए कि उन्होंने हमारे नागरिकों के साथ पॉजिटिव गेस्चर दिखाया। अच्छा, है आपके नागरिकों के साथ और अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ क्या किया? इस बारे में अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो सलूक किया गया, वहां की महिलाओं के साथ जो सलूक किया गया, जो कत्लो गारत मचाई गई, जो पाकिस्तान के तालिबान से
से उनका कनेक्शन सामने आया, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से उनका कनेक्शन सामने आया, वो कुछ नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। जफर इस्लाम साहब भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने तालिबान ने हमारे दूतावास और नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास किया और हमें पॉजिटिव कैचर दिखाया। जब इस बात को सरकार के लोग मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान लेते टीवी पे तालिबान के खिलाफ चिल्लाने से? याद रखिए नुकसान होगा, ये बात सरकार को करने दीजिए, डायलॉग का समय आने दीजिए। चाइना और पाकिस्तान और तालिबान इस्लामिक राज वहां पर लाने वाला है, इस्लामिक राज स्थापित हो जाएगा, निजामे मुस्तफा स्थापित हो जाएगा अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में, ये कहना आप इस्लाम के हक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, निजामे मुस्तफा तो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान को आर्टिकल 14, 15, 21 को बदल कर रहे नहीं। हम चाहते हैं कि सबको संपूर्ण मानवता को न्याय मिले, काम इलाही निजामे मुस्तफा कर रहा, जो हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का शादाब ये वही गजवाए हिंद वाली जो सोच है ना, उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो आप। ये गजवाए हिंद जो है ना, ये कभी कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि गजवाए हिंद का जवाब देने के लिए जज्बाए हिंद काफी है यहाँ पर। भारत के नागरिकों का सम्मान, भारत के नागरिकों की सुरक्षा, उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो आप अपने स्टैंड पर कायम है ना, बर्क साहब की तरह पलट नहीं जाएंगे ना? जो हमने कहा कि भारत उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है, मैंने कोई देशद्रोही काम नहीं किया, मैं भारत के हित के लिए बात कर रहा हूँ, भारत के नागरिकों के हित की बात कर रहा हूँ। हम कभी, मैं किसान का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते, ये देश हमारा है, हम कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जो मेरे देश के खिलाफ होगी। हमारा इख्तलाफ मोदी सरकार से हो सकता है, तालिबान का समर्थन करते रहेंगे, ये नहीं कि मैं देश के खिलाफ हो जाऊं, ये देश मेरा है, मैं अपने देश के खिलाफ कैसे हो जाऊंगा, आखिरी सांस तक देश के साथ खड़ा रहूंगा, यही मेरी पहचान है। तालिबान का समर्थन करते हैं ना? मैं हर सही चीज का समर्थन करूंगा, गलत का विरोध करूंगा। ठीक है, ठीक है, हर गलत काम का विरोध करूंगा। ठीक है, हमारे साथ जाकिर कजी जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इस्लाम के, वो भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। कासमी साहब, अब शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा, संभल के सांसद हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस रजिस्टर किया गया है, तो नोमानी साहब और जो पीस पार्टी की सोच सामने आ रही है, और आने वाले वक्त में ना जाने कितने ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो कि वेलकम करेंगे, तालिबान को पैगाम मोहब्बत भेजेंगे, अब उनके खिलाफ क्या किया जाएगा? देखो समीर भाई, मैं देख रहा हूं कि बहुत खुल करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और सोशल मीडिया पर लोग तालिबान के लिए खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि वो इस तरह की नाजेबा हरकत ना करें, और वो मुल्क में जो हमारे एजेंसीज़ काम कर रही हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर नज़र रखकर कड़ी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। चूंकि जो इस तरह की तंजीमें काम कर रही थी, चाहे वो सीमी की शक्ल बदल करके PFI हो या दूसरी तंजीमें हों, तो उन्होंने, उनको एक मौका मिल गया है और एक शय मिल गई है। और यहाँ तक कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुल करके व्हाट्सएप ग्रुप पर तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। और चूंकि मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूँ, तो मैं ज़्यादातर लोग मुझे ज़्यादातर इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं, और मैंने उनको सेव भी करके रखा हुआ है कुछ नंबरों को जहाँ से वो आ रहे हैं, ताकि मैं आप जैसे लोगों को बता सकूँ, वो देश को बता सकें कि यहाँ हो क्या रहा है। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैं एक तरफ मुसलमानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ऐसे लोगों से दूर रह करके इस तरह की पोस्ट में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी इस तरह की चीजों में हिस्सेदार ना बने, और तालिबान की विचारधारा से यहाँ का मुसलमान कभी नहीं जुड़ सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। हमारे यूथ को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारे यूथ को भी इस तरह का, और फिर बिल्कुल सही बात है, और इन भटके हुए लोगों के बहकावे में आने की जरूरत भी नहीं है। जिसने भी सही इस्लाम पढ़ा है, सही इस्लाम की प्रीचिंग पढ़ी है, वो वही राय रखेगा जो आप रख रहे हैं। कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह के विवादित बयान तालिबान के समर्थन में दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर से ही, जो अपने आप में चिंता का सबब है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आजकल किसी